हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, क्या है, हमारे कानपुर में आईआईटी में फ्लावर शो होता है हर साल। ये कोविड के रहते हुए 2 साल तो नहीं कुछ हो पाया, लेकिन फरवरी के लास्ट मंथ में हर साल बहुत अच्छा फ्लावर शो होता है, क्योंकि मैं कई एक क्लिपों में डालूंगी, बनाऊँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ प्रतियोगिता भी होती है, कंपटीशन। तो उसमें जो है, कंपटीशन में क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे मतलब जितने भी जो माली हो या कई घरों के जो कैंपस में लोग रहते हैं, उनके भी आते हैं, मतलब घरों से। तो जो भी जीतते हैं तो उनको प्राइज दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरे आईआईटी कानपुर में बहुत अच्छा फ्लावर शो होता है। मैं इसमें यहाँ पर कुछ म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से कुछ कह रही थी, वो हंस रही थी उधर से। ये काफ़ी कुछ इसमें बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये हमारे घर में भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये जो ज़मीन में लगे हुए हैं, तो ज़मीन में ही हमेशा ही यहीं पर रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया में यहाँ फ्लावर शो लगता है। आप लोग मेरे साथ अंत तक ऐसी बने रहें, बहुत प्यारा है। काफ़ी कुछ एरिया में लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। डहलिया देखिए कितना प्यारा है, कितना बड़ा बड़ा डहलिया है। और साइड से आप देख रहे होंगे जो जरबेरा भी वहाँ ज़मीन में लगा हुआ है, तो जरबेरा भी खूब खिला है। डहलिया में कितने जो इसमें फूल आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फूल आते हैं, क्योंकि ज़मीन की बात ही कुछ अलग होती है। हालांकि मेरे गमलों में भी खूब फूल डहलिया में हैं, शायद मैंने एक आध वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी है। तो मेरा तो मन इतना अच्छा हो गया। बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डहलिया में कितना बड़ा सा फूल है, बहुत बड़ा फूल है। देखिए ये जो है, एक बच्ची फूल फोटो खींच रही थी इतने बड़े डहलिया का। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और मेरे साथ ऐसी अंत तक बने रहे, क्योंकि मैंने कहीं कहीं म्यूट नहीं की आवाज़ को। बहुत लोगों की चहल पहल भी है, कहीं बहुत लोगों की आवाज़ें आएंगी इसमें। ये जो है बांस बम्बू है, बम्बू में इसमें सजा करके रखा है, ऊपर तक इसको लेकर गए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी लोगों की, क्योंकि आवाज़ें हैं। अगर मैं म्यूट कर देती, लोग बाग इधर उधर घूमते नज़र आते, तो भी आवाज़ अच्छी नहीं, मतलब मेरी ही आवाज़ अकेले अच्छी नहीं लगती। फ्रेंड्स मेरा तो दिन बन गया भाई, बहुत एरिया में बड़ा है, तो घूमते घूमते थक भी गई थी मैं, बार बार बैठ जा रही थी। बीच बीच में हमारी फ्रेंड्स की भी आवाज़ आएगी, जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ में है उनकी भी आवाज़ आएगी। सारे कुछ जमीन में लगे हुए हैं पौधे, मैं 2-3 भागों में दिखाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो मैं कई भागों में आप लोगों को दिखाऊंगी, तरह तरह की वैरायटियाँ जो होंगे।
ये तो यहीं हमेशा रहते हैं जो कि जमीन में लगे हैं। ये फ्रेंड्स जो गमलों में देख रहे हैं ये लोगों के जीजी नहीं कहीं दिखा है ना, जीजी नहीं दिखा है इसमें, जिसमें ज़्यादा अच्छे ये सारे जहाँ ज़्यादातर सीजनल प्लांट हैं सभी उन्हें कोई प्राइस भी दिया जाएगा, माली हो या किसी तरह का हो। ये वो है जेरेनियम, घरों से उठ उठ करके आते हैं कुछ, तो उन लोगों की स्लिप भी लगी है कि किस फ्लैट का किस का एरिया का क्या है। अरे वाह देखो इसको देखो, बहुत लोग शौक, ये कितना सुंदर होते हैं, हमारे यहाँ इतना खिल करके नहीं आया है, ना ये आया ना ये आया ना ये आया, इतना क्या डालते हैं यार। खुद खाद वही इन लोग को नॉलेज रहती है, इतने सालों से काम है यही कर रहा है ना माली से। देखो इसकी इसका इसका ये देखो इसका ये कैसे बनाया गया, इसका डहली इसका रोगन बेलिया का ये हमेशा चलता, अगर थोड़ी सी केयर कर ले जाओ ये वाला। हाँ ये हमेशा हमारे पास है ना, है इसमें के दो हैं उसमें के, इसमें कई एक है, एक पिंक में है। मंदिर के ऊपर कहीं भी जगह नहीं छोड़ी, देखिए मतलब मंदिर की छत पर छोड़ा नहीं कोई जगह है, है ना। पता नहीं कौन सा पौधे का नाम देखो नहीं आ रहा है, रानी फुलस पता नहीं क्या कहते हैं उसको। Thank you.
कितना प्यारा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।